राखी हैज़ नो राइट टू प्ले विद पीपल्स लाइव्स, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। आपके पास ज़बान है, आप बहुत अग्रेसिव हो, और राखी ने मेरे ऊपर बहुत अजीब एलिगेशन है। मुझे कभी कभी डाउट होता है कि राखी ऐसा क्या लेती है कि उसमें उसका दिमाग इतना ख़राब है। किसी नॉर्मल इंसान का बिना ड्रग्स लिए हुए ना दिमाग इतना ख़राब हो नहीं सकता। मतलब कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, इतना अग्रेशन, झूठ बोल रही है, गोल गोल बातें। आई थिंक देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ हर। उसको दिमाग की चिकित्सा करवानी चाहिए, एंड शी इज़ डेफिनेटली ऑन सम काइंड ऑफ समथिंग विच इज़ मेकिंग हर गो मैड, एंड शी हैज़ नो राइट टू प्ले विथ पीपल्स लाइव्स। आप झूठे एलिगेशंस लगा के किसी को जेल भेज रहे हैं, आप एक सिंगल लेडी के ऊपर आप गंदे गंदे एलिगेशंस लगा रहे हो, कुछ भी आप बोल रहे हो पैसे लेकर। और संविधान में ऐसे लोगों को जेल में जाना चाहिए। What is happening? Sorry to cut you for a minute. सबसे पहले एक बात बोलूँगा, राखी को बोलो थोड़ा पेपर ठीक से एडिट करके करवाए काम, ठीक है। नंबर वन, चार चीज़ पे बात करते हैं। सबसे पहले आप ये नंबर एक्टर राखी सावंत हटा दीजिए, वो एक्टर नहीं है, ठीक है। जो नंबर लिखा है मुमताज़ दुरानी, मेरे माँ का नाम मुमताज़ दुरानी है नहीं, मेरा माँ का नाम है मुमताज़ खान। दूसरा जो लिखा है प्लीज़ आना और कॉल करना इस नंबर पर 9663 जो मेरा नंबर है। ये नंबर मेरा 2021 में नहीं था, ये मेरा नंबर एक्टिवेटेड है 2022 नवंबर से। तीसरी चीज़, ये जो एड्रेस लिखा है ना जेपी नगर 3rd Cross 304 बैंगलोर सिटी, ये एड्रेस बैंगलोर में है ही नहीं, ये एड्रेस भी बैंगलोर में नहीं है। तो इसमें ये कहाँ लिखा है कि शादी कहाँ हो रही है, शादी की वेन्यू तो नहीं लिखा है, नंबर वन। तीसरी चीज़, निकाह 9/8/2021 शुक्राना कुछ लिख दिया है। तो उनको बोलो प्रॉपर पेपर्स एडिट करा के ना, कोई मुस्लिम को जाके पहले पूछे, थोड़ा बैंगलोर में एड्रेस पता करे, मेरा नंबर उस टाइम में था पता करे, और झूठे नए एलिगेशंस लगाए। और ये कोई आप प्रूफ नहीं कर सकते कि आदिल की शादी हुई थी। आदिल की शादी की फोटोज है, वीडियोज है, सर्टिफिकेट है। अच्छा मेरी शादी हुई थी तो कोर्ट ने दोबारा मेरी शादी कैसे राखी से करवा दी? मैं तो इस्लाम लॉ के हिसाब से भी शादी किया हूँ, और प्लस मैंने कोर्ट में भी शादी की है, करेक्ट। तो ये भेज देना, जो लिखा है नाम एक्टर राखी सावंत जी ये भेजती है ना, जो एक्टिंग करती है, तो एक्टिंग बंद करो। और आपके पास कोई ठोस सबूत हो तो पहले कोर्ट आओ, उसके बाद अप्लाई करके मेरे पास आओ, फिर मैं आपको बैठ के जवाब दूंगा। तो इसको ऑफ बीट मत करो। जो आपका पेशा है ना, जो आप प्रीतेश के साथ शादी होते हुए विदाउट डाइवोर्स आप मेरे से आके शादी कर लेती हो, फिर उसको एड शूट बोलती हो, हिंदू में शादी होती हो, क्रिश्चियन में शादी होती हो, हर ड्रामे करती हो, उसको लूटती हो, फिर उसको लाके आज खड़ा करती हो, फिर आदिल को लाके खड़ा करती हो, तो आपके ड्रामे बंद करो। इसके बारे में मुझे नेक्स्ट इंटरव्यू में आपका जवाब दो, और नेक्स्ट इंटरव्यू में ये भी जवाब दो कि आपका अबाया कहाँ है, पर आप जो गले मिल रहे हो, चिपक के मिल रहे हो, आप क्या कर रही हो? आप इस्लाम भूल गई दोबारा, और तुम हाल ही में इंटरव्यू में बोल रही हो मैं हिंदू धर्म में जाना चाहती हूँ। अच्छा मैं याद दिलाऊंगी उसको सनातन। अब अच्छा, अभी जैसे कि हम अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, वहाँ वो कुछ और किसी को लेकर